वेलकम यू ऑल फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं मनीष चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम टीचिंग मेथड्स का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट, जिससे सबसे ज़्यादा जिस मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मेथड आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दोस्तों, निश्चित रूप से मान के चलिए 6 या 7 क्वेश्चन इस मेथड से पुट किए जाते हैं प्रत्येक सेकंड ग्रेड एग्जाम में। तो हम इसको बारीकी से देखेंगे, हर एक चीज़ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ ऑल्सो नाउन जीटी मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को जीटी मेथड, ओल्डेस्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड और अननेचुरल मेथड भी कहा जाता है। ये इसके डिफरेंट नाम हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, जीटी मेथड, ओल्डेस्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड, अननेचुरल मेथड। लेटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस इन यूएसए। यूएसए में लेटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस में इसको पर्शियन मेथड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया गया है एक बार। अब जर्मन स्कॉलर थे कार्ल प्लोट्स, जॉन मेडिंगर, एच एस ओलेंडॉर्फ एंड सेडन स्टिकर, ये इसके फाउंडर थे। चारों नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कार्ल प्लोट्स, जॉन मेडिंगर, एच एस ओलेंडॉर्फ एंड सेडन स्टिकर। आगे बढ़ते हैं। दिस मेथड हैज नो साइकोलॉजिकल बेस बट हैज टू फिलोसॉफिकल बेस। इसका कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं है, लेकिन इसका फिलोसॉफिकल बेस जरूर है। दो फिलोसॉफिकल बेस कौन कौन से हैं? दो हैं इसके की बेसिस। वो है, ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर ही है वो, इस लैंग्वेज की आत्मा होती है इस मेथड में। और ट्रांसलेशन इज द की टू अंडरस्टैंड फॉरेन लैंग्वेज, और फॉरेन लैंग्वेज को समझने की जो की होती है वो होता है ट्रांसलेशन। तो आई होप ये मेन थीम समझ में आ गई होगी आपको ग्रामर ट्रांसलेशन की। अब हम इसकी फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट्स की बात करेंगे। और प्रत्येक लाइन को ध्यान से देखना है, क्योंकि हर एक लाइन एग्जाम में आई हुई है। जितनी भी लाइन्स यहाँ पर मैं मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ाऊंगा, सभी की सभी पीछे के एग्जाम्स में आई हुई हैं। तो बड़े इत्मीनान से और ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलना है। पहले इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं देखते हैं। द गोल ऑफ लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज इज टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड इट्स लिटरेचर। सबसे पहली इंपॉर्टेंस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की यह है कि इसका जो मुख्य गोल होता है वो होता है फॉरेन लैंग्वेज को इनेबल करना, स्टूडेंट्स को इनेबल करना टू रीड इट्स लिटरेचर, कि वो इसका लिटरेचर पढ़े, तभी फॉरेन लैंग्वेज को लर्न कर सकता है, सीख सकता है। ये मेन गोल है इस मेथड का। नेक्स्ट है, दिस मेथड प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन, और यह मेथड ज्ञात से अज्ञात क्यों चलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आए हुए हैं प्रत्येक। फिर रूल्स एंड ट्रांसलेशन आर इम्फेसाइज्ड। इसमें रूल्स एंड ट्रांसलेशन है वो इम्फेसाइज्ड किए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएगा, 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, कौन सा करेक्टेड नहीं है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में, कौन सा इसका गोल नहीं है, कौन सी इसकी मेरिट या करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो पूछी जाएगी। तो इस प्रकार से 3 आपको ये ऑप्शन में मिलेंगे। तो रूल्स एंड ट्रांसलेशन को इम्फेसाइज किया जाता है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। ग्रामर को डिडक्टिवली या निगमन तरीके से इस मेथड में पढ़ाया जाता है, यानी पहले रूल उसके बाद एग्जाम्पल पेश किए जाते हैं। और हमारा नेक्स्ट मेथड आएगा डायरेक्ट मेथड, उसमें एग्जाम्पल टू रूल यानी इंडक्टिव मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, द वर्ड इज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बेसिक जो यूनिट होती है वो होती है वर्ड, और डायरेक्ट मेथड की होती है सेंटेंस। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, नेटिव लैंग्वेज मदर टंग इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस करने का मीडियम, माध्यम क्या होता है, वो होता है मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज। मदर टंग का एक्सेसिव यूज किया जाता है, यानी बहुत यूज किया जाता है इस मेथड में मदर टंग का। और डायरेक्ट मेथड में मदर टंग प्रोहिबिट होती है, निषेध होता है उसका उपयोग। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग, आपको बता दिया है, काफी ज्यादा मदर टंग का यूज किया जाता है इस मेथड में। एक्यूरेसी एंड रूल्स ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज्ड। इसमें ट्रेमेंडियस स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स मेमोरी, स्टूडेंट की जो मेमोरी होती है उस पर काफी ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। यानी एक्यूरेसी एंड रूल्स ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज्ड, वो याद करवाए जाते हैं, ग्रामर के रूल्स एंड एक्यूरेसी। लिटिल एक्टिव यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज का बहुत कम यूज होता है, एक्टिव यूज नहीं होता,
क्लियर। फिर है मोर एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, दैट मीन्स कि ये फोर एस्पेक्ट्स जो होते हैं लैंग्वेज के उन पे इक्वली कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, इक्वली फोकस नहीं करता। मतलब ये दो पर एम्फेसिस करता है, वो है रीडिंग एंड राइटिंग, दैट मीन्स लिसनिंग और स्पीकिंग इसमें अवॉइड की जाती है। नेक्स्ट है द टीचर इज द अथॉरिटी इन द क्लासरूम। टीचर का रोल होता है कि वो क्लासरूम में क्या होता है, अथॉरिटी होता है। दिस मैथड इज कम्प्लीटली टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड, ये जो मैथड है वो कम्प्लीटली टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड है, दैट मीन्स टेक्स्ट बुक के ऊपर ही डिपेंड है। फिर है दिस मैथड ट्राई टू इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग लिंक, स्ट्रॉन्ग लिंक इस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है मैथड किस किस के बीच, बिटवीन न्यू आइडियाज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज की न्यू आइडिया विद ओल्ड आइडियाज ऑफ मदर टंग और मदर टंग के ओल्ड आइडियाज के बीच। तो ये इसकी मैरिट्स थी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, सारी इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके एडवांटेज कुछ पढ़ लेते हैं। डेवलप्स एक्यूरेसी इन राइटिंग, राइटिंग में एक्यूरेसी डेवलप करता है मेथड। डेवलप्स आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन डेवलप करता है बच्चों में। वेरी यूजफुल इन डेवलपिंग स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन और रीडिंग स्किल्स डेवलप करता है। रिक्वायर्स मिनिमम टीचिंग एड्स की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। सेव्स टाइम एंड एनर्जी ऑफ टीचर्स, और टीचर्स की एनर्जी और टाइम को भी ये सेव्स करता है। कुछ डी मेरिट्स हैं वो भी देख लेते हैं, वैसे हमने साथ साथ में पढ़ ली बट फिर भी देखते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस कान नॉट बी ट्रांसलेटेड, अब इडियम्स फ्रेजेस का हूबहू ट्रांसलेशन तो नहीं होता, उनकी तो एक सेंस होती है, तो इनका इनके थ्रू ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, ये डीमेरिट्स है। फिर टोटल निगलेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, लिसनिंग स्पोकिंग स्पोकन जो दोनों हैं दोनों को निगलेक्ट किया जाता है इस मेथड में। टू मच इम्फेसिस ऑन ग्रामर रूल्स, ग्रामर रूल्स पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्फेसिस किया जाता है। एंड टीचर डोमिनेटिंग मोनोटोनस प्रोसेस, और टीचर जो है वो डोमिनेट करता है मोनोटोनस प्रोसेस, यानी एक नीरस प्रोसेस को यहाँ पर डोमिनेट करता है। तो ये था हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बहुत यूजफुल, एग्जाम में 5-7 क्वेश्चन यहीं से आएंगे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आई होप आपको बेटर तरीके से इसमें आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।